ओके, पहला क्वेश्चन, कॉज ऑफ द प्राइमरी एमनोरिया आर ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा एक्सेप्ट, टर्नर सिंड्रोम, सिहान सिंड्रोम, एमआरकेएच एंड कैलमन सिंड्रोम। कितने लोग ए पे जा रहे हैं, स्किप कर दिया है? सिहान सिंड्रोम। लुक, कॉज ऑफ प्राइमरी एमनोरिया, पहला क्या है, टर्नर सिंड्रोम, सायर सिंड्रोम, टेस्टिकुलर फेमिनिज्म सिंड्रोम, मुलेरियन अजेनेसिस जिसको मेयर रॉकिंगटन से हसलर सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया जिसमें इंपरफोरेटेड हाइमन एंड वेजाइनल सेप्टम, कैलमन सिंड्रोम, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडोनिज्म विथ हाइपोसमिया एंड एनोसमिया एंड पिट्यूटरी नियोप्लाज्म। तो कौन सा रह गया, सिहान, सत्य बच्चन, हाँ सिहान। चलिए, विच एब्डोमिनल ग्रिप आर यूज टू असेस डिसेंट ऑफ द हेड इन द प्रेग्नेंट वुमन, लियोपोल्ड मैनूर अभी बताया हूं मैं अनिल के ऊपर, डिसेंट ऑफ द हेड का पता लगाने के लिए कौन सी ग्रिप यूज करते हैं, क्या जाएगा आंसर, कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हो बच्चे, डिसेंट ऑफ द हेड बोला है, कितने लोग बी पे जाना चाह रहे हैं, लेटरल, कितने लोग पेल्विक ग्रिप वन पे जाना चाह रहे हैं, कितने लोग पेल्विक ग्रिप टू पे जाना चाह रहे हैं। चलिए, करेक्ट आंसर इज पेल्विक ग्रिप टू, कौन सी ग्रिप, पाउलिक, अगर आ रहा है मतलब डिसेंड हेड हो चुका है, नहीं आ रहा मतलब डिसेंड, बढ़िया। द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस, देखो मेरी क्लास में अच्छी बात क्या है, अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बताइए। ट्रू पेल्विस का स्मॉलेस्ट डायमीटर कितना होता है, 9.5। इंटर स्पाइनस डायमीटर, डायगोनल कंजुगेट, ट्रू कंजुगेट या इंटर ट्यूबुलर डायमीटर, ऐसा ही होता है बच्चे, जब आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होता तो फिर ऐसे ही करना पड़ता, अच्छा ये ऐसा हो वैसा, ये होगा क्योंकि कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन डाले हैं मैंने, डायगोनल भी डाला है, स्पाइनस भी डाला है, ट्यूबरस भी डाला है, ऑप्शन ही ऐसे डाले हैं। ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस, ट्रू पेल्विस में कितने कंजुगेट होते हैं, तीन, पहला ऑब्वियस है ट्रू कंजुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कंजुगेट एंड डायगोनल कंजुगेट। चलिए, ट्रू पेल्विस अब आया है, अब गलत कर देते आप, मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन कर रहे हैं पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। चलिए द करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ए, इंटर स्पाइनस डायमीटर, ये अप्रोक्स 10 पॉइंट नहीं होता, 9.5 होता, कितना होता, 9.5। चलिए, आर प्राइमरी ग्रेविडा प्रेजेंट टू कैजुअलिटी एट 32 वीक्स गेस्टेशन विद एक्यूट पेन एब्डोमेन फॉर 2 आवर्स, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड डिक्रीज फीटल मूवमेंट, शी वुड मैनेज्ड बाय, एक प्राइमरी ग्रेविडा है जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, 32 वीक की कैजुअलिटी में लेके आई है, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है 2 घंटे से, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है और फीटल मूवमेंट क्या हो गए हैं कम, कैसे मैनेज करोगे, पहले आंसर लिखिए फिर एबीसीडी करिए, ये आंसर लिखने से तुम्हारा सेल्फ इवैल्यूएशन होगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं,
कि कितने समंदर में है। क्या जाएगा आंसर, कितने लोग ए पे जा रहे हैं अब बोलो। ओके, कितने लोग बी पे जा रहे हैं, कितने लोग सी पे जा रहे हैं, कोई नहीं जाना चाह रहा, कितने लोग डी पे जाना चाह रहे हैं। चलो डी पे तो नहीं जा रहे हो, समझ में आता है, पक्का ए पे ही। क्या करेंगे, इमीडिएट सीजेरियन सेक्शन, क्योंकि फीटल मूवमेंट क्या हो रहा है कम, और ये क्या सजेस्ट कर रहा है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रही है, सीजेरियन सेक्शन वुड बी डन इमीडिएटली टू प्रिवेंट द फीटल डेथ, क्योंकि आप इंडक्शन कराओगे तो बच्चे की और कॉम्प्रोमाइज होगा, बच्चे की इंट्रायूटराइन डेथ। चलिए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूबल ब्लॉक इन इंडिया, ट्यूबल ब्लॉक, ट्यूबल ब्लॉक का मतलब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने में इंडिया में सबसे क्या वजह है, थोड़ी भी कम्युनिटी आती होगी तो कर लोगे। क्या जाओगे, छोड़ दोगे, बेटर है इस क्वेश्चन को तुम छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है और तुम्हें आएगा तो भी तुम गलत करोगे, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बनता है, है ना। चलिए, करेक्ट आंसर क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आर ट्रू एक्सेप्ट, मतलब कौन सा नहीं है, यही तो पूछना चाह रहा है ना। चलिए, इनिबिशन ऑफ ओवुलेशन, प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरफेरेंस विद द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, इंटरफेरेंस विद द प्लेसेंटल फंक्शन। ओसीपी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल की इनमें से कौन सी मैकेनिज्म एक्सेप्ट नहीं है, मतलब अभी वैसे किसी स्लाइड में ये आया भी था, डन। क्या आंसर है, कितने डी, कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं, ओवुलेशन को इनिबिट करता है क्या ओसीपी, ओवुलेशन को इनिबिट करता है क्या ओसीपी, करता है। ओवुलेशन का मतलब क्या है, सेकेंडरी ओसाइट का रिलीज होना, प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, यस फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, इंटरफेरेंस विद द इम्प्लांटेशन ऑफ, यस उसमें भी करता है, इंटरफेरेंस विद द प्लेसेंटल फंक्शन। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ ओसीपी प्रिवेंट ओवुलेशन बाय इनिबिशन ऑफ एलएच सर्च, इंड्यूस एट्रोपिक चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम, एट्रोपिक चेंजेस का मतलब एंडोमेट्रियम को ग्रो ही होने नहीं देता, प्रिवेंटिंग द नाइडेशन इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा, थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, म्यूकस को क्या करेगा थिक, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन नहीं होगा, मतलब एंट्री ऑफ नहीं होगा, इंक्रीज द ट्यूबल मोर्टिलिटी, ट्यूबल की मोर्टिलिटी क्या करेगी, बढ़ाएगी, एक्टिविटी बढ़ाएगी, सो दैट द फर्टिलाइज एग रीच द यूटेराइन कैविटी बिफोर द एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन, मतलब बहुत जल्दी उसको ओवम को आगे फेंक देगी, है ना। Which vitamin deficiency is most commonly seen in a pregnant mother who is on phenytoin therapy for epilepsy? Female को epilepsy हो रहा है और कौन सी therapy भी चल रही है? Phenytoin. Answer बताइए. बहुत easy है. बहुत easy है. ए विटामिन बी सिक्स, पाइरोक्सिन या विटामिन बी ट्वेल्व, कितने लोग ए पे जा रहे हैं, कितने लोग बी पे जा रहे हैं। चलिए, करेक्ट आंसर इज डी,
फॉलिक एसिड क्यों लिख रखा है, लिख रखा है क्यों का मतलब नहीं, लिख रखा है फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज एंड एक्सक्रिएशन इज इंक्रीज इन दोज यूजिंग द फैटी टॉय, ये तुम्हारे क्यों का जवाब है। अदर विटामिन डेफिशिएंसी आर सीन इन द फैटी फैनिटोन यूजर विटामिन डी विटामिन के, हेंस प्रेग्नेंट वुमन ऑन फैनिटोइन शुड बी टेक कौन सी, फॉलिक एसिड कॉलीकैल्सिफेरॉल विटामिन डी एंड फाइटोनाडियन विटामिन के सप्लीमेंट, हाँ या ना, यस क्यों का जवाब मिल गया, मैंने डाल रखा सब क्यों का जवाब डाल रखा है। द बेस्ट पीरियड ऑफ गेस्टेशन टू कैरी आउट कॉरियन विलस बायोप्सी फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस, कॉरियोनिक विलस सैंपलिंग कौन से, सीधा सीधा आंसर अगर आता है तो करो नहीं आता तो मत करो। आठ से दस, दस से बारह, बारह से चौदह, चौदह से सोलह, ऑप्शन भी ऐसे डाले हैं मैंने, हाँ अभी तुम्हारा तुम स्पेसिफिक में आ गए हो, अब तुम्हें अब वो बीच वाली कंडीशन नहीं, इधर या इधर क्या जाएगा आंसर, कितने लोग ए पे जा रहे हैं, कितने लोग बी पे जा रहे हैं, चलिए कितने लोग सी पे जा रहे हैं, कितने लोग डी पे जा रहे हैं, डी पे जा, सत्य बच्चन। द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ पीपीएच एक्सेप्ट, एक्सेप्ट है हाइपरटेंशन मैक्रोसोमिया ट्वीन प्रेगनेंसी आई डोंट नो, इनमें कम टाइम लगा, नहीं नहीं इसमें कम टाइम लगा क्यों, क्योंकि इसमें मेरे नोट्स से तो मुझे ही टाइप करना था, क्या हो गया क्वेश्चन चला गया, अच्छा आंसर सभी सही है, हाइपरटेंशन में भी पीपीएच होता है, मैक्रोसोमिया में भी होता है, ट्विन प्रेगनेंसी में भी होता है, और अब पॉलीहाइड्रोमियोसिस में होता ही होता है, लेकिन क्या लग नहीं रहा है, एक्सेप्ट पूछा है। देखो तुम हो धर्म संकट में, तुम हो धर्म संकट में, 75 से ज्यादा परसेंट पे क्वेश्चन करने भी है, नेगेटिव भी कम करने हैं, समझ लो छोड़ने भी कम है करने भी ज्यादा है, कितने लोग ए पे जाना चाह रहे, नहीं ए पे पक्का बच्चे, आपका नाम क्या मैं भूल रहा हूं, अनिता, जब आपको लगे यही आंसर है अब रुक जाना क्योंकि वो तो होता ही नहीं है, मैक्रोसोमिया ट्विन प्रेगनेंसी, दो बच्चे हैं, दो बच्चे तो ब्लीडिंग भी ज्यादा है, कितने लोग डी पे जा रहे हैं, नहीं कितने लोग सी पे जा रहे हैं, सी पे कोई जाना नहीं चाह रहा, कितने लोग बी पे जा रहे हैं, तुम चलो ओके करेक्ट आंसर इज ए हाइपरटेंशन, है ना, चलिए ये मैंने सब बता दिया है ए बी सी डी, ऑल ऑफ द कॉज ऑफ इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन एक्सेप्ट प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन एनीमिया मैटरनल हार्ट डिजीज एंड गेस्टेशनल डायबिटीज, कर दिया, ग्रोथ रिटार्डेशन के कॉज है एक्सेप्ट, मतलब एक नहीं है बाकी है, कितने लोग ए पे जा रहे हैं, कितने लोग बी पे जा रहे हैं, बी पे जा रहे हो, कितने लोग सी पे जा रहे हैं, कितने लोग डी पे जा रहे हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस में मदर का ग्लूकोज ज्यादा, बच्चे को ग्लूकोज ज्यादा,
बच्चा मोटा होगा इंट्रा ग्रोथ रिटार्डेड मोटा लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज होता है। हाँ एनीमिया में सुन लो सब समझा देता हूं, एनीमिया में माँ के पास पहले ही ऑक्सीजन कम है आरबीसी कम है बच्चे को क्या देगी कुछ नहीं तो बच्चा छोटा। मैंने दो बार बोला है इंट्रा यूटेराइन हम क्या पढ़ रहे हैं ऑप्शन गाइनी साइकाटी पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन मदर का हार्ट बीपी बहुत ज्यादा बीपी ज्यादा तो बच्चों को एक्सचेंज भी कम एक्सचेंज कम तो बच्चा छोटा या बड़ा छोटा। हार्ट डिजीज मदर का ही हार्ट खराब है क्या पंप करेगी हार्ट को ब्लड को जब पंप ही नहीं होगा तो बच्चों को पहुंचेगा भी कम। लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस माँ के पास जम के ग्लूकोज है जम के ग्लूकोज है तो बच्चे तू भी खा मैं तो हुई तू भी ले तू भी बड़ा हो बड़ा होगा भी। ऑल आर द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द मैक्रोसोमिया एक्सेप्ट मतलब मैक्रोसोमिया का कारण इनमें से नहीं है। क्वेश्चन भी ऐसे तो दिमाग घुमाएंगे मैटरनल ओबेसिटी प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी प्रीवियस लार्ज इनफैक्ट शॉर्ट स्टेचर कितने लोग ए पे जा रहे हैं कोई नहीं कितने लोग बी पे जा रहे हैं कितने लोग सी पे जा रहे हैं कितने लोग डी पे जा रहे हैं। अच्छा मदर छोटी तो बच्चा भी छोटा जगह ही नहीं है प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी का मतलब पोस्टम में है तो पोस्टम में भी तो बच्चा छोटा हो जाएगा ओल्ड मैन अपीयरेंस मिलता है तो उसमें मैक्रोसोमिया तो नहीं मिलता ऐसा जगह ही नहीं है समझिए। द हाउ मच एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरी दैट शुड बी टेकन बाय प्रेग्नेंट वुमन एज पर WHO एक्स्ट्रा कितनी प्रेग्नेंट वुमन है पहले समझना लेबर का अलग है प्रेग्नेंट वुमन का अलग है कितना लेगी बहुत इजी है कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं किस पे जाना चाह रहे कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं कितने लोग बी पे जाना चाह रहे हैं कितने लोग सी पे जाना चाह रहे हैं सी कितने लोग डी पे जाना चाह रहे हैं सी क्यों भाई यही तो मैंने बोला है प्रेग्नेंट वुमन है अभी कहा लैक्टेशन हो गई एडिशनल 350 अगर प्रेगनेंसी हो गई है 550 करेक्ट आंसर इज ए 300 कैलोरी ओके भक्तजनों आज की कहानी यहीं तक।